नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा रुमियन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊंगा। टोयोटा रुमियन मारुति अर्टिका का ही रिबेस वर्जन है। ये गाड़ी 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 13.5 लाख रुपए की प्राइस रेंज में मिल जाती है। आप भी इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है स्पेसियस। टोयोटा रुमियन MPV सेगमेंट की गाड़ी है और MPV में स्पेस होना काफी जरूरी है। रुमियन में भी काफी बढ़िया स्पेस मिल जाती है। इसमें आप 6-7 बंदों को आराम से बिठाकर ले जा सकते हैं। इस गाड़ी का थर्ड रो यूज करने के बाद भी 209 लीटर का बूट स्पेस बचता है। इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वारंटी। टोयोटा रुमियन मारुति अर्टिगा का ही रिबेस वर्जन है, लेकिन वारंटी के मामले में दोनों गाड़ियों में काफी डिफरेंस है। मारुति की अर्टिगा पर हमें 2 साल या 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, लेकिन वहीं पर टोयोटा रुमियन पर हमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। इसका नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इम्प्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी। टोयोटा रुमियन पेट्रोल और CNG दोनों ही ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ये गाड़ी नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ 18 से 20 KMPL का माइलेज निकाल के देती है। अगर आप इसका CNG वेरियंट लेते हैं तो ये गाड़ी आपको 26 से 28 पर KG का माइलेज निकाल के देगी। जिसको फ्यूल एफिशिएंसी काफी बढ़िया चाहिए उनके लिए यह MPV परफेक्ट है। तो अब इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है नो डीजल ऑप्शन। टोयोटा रुमियन एक ही इंजन के साथ मिलती है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर आपको डीजल कार चाहिए तो आपको किया कारेंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डीजल ऑप्शन मिलता है। इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है CNG वेरियंट। अगर आप इसको CNG में लेने की सोच रहे हैं तो आपको इसका बेस वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। टोयोटा रुमियन में 3 वेरिएंट मिलते हैं, S, G और V, जिसमें अगर आपको CNG चाहिए तो वो आपको इसके बेस वेरिएंट में ही मिलेगा और उसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक या टॉप मॉडल चाहिए तो आपको CNG का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है पुअर सेफ्टी। रुमियन रिबेस्ड अर्टिगा ही है तो इसमें सेफ्टी भी अर्टिगा वाली ही मिलेगी, यानी कि 3 स्टार। अगर आपको सेफ्टी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये थे टोयोटा रुमियन के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। ओवरऑल बात करें तो ये डिसेंट प्रोडक्ट है। अगर आपका बजट अर्टिगा वाला है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आपको टोयोटा रुमियन और मारुति अर्टिगा में से कौन सी गाड़ी पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।